में तीसरे चरण का मतदान खत्म। 16 जिलों की 69 सीटों पर डाले गए वोट। 5 बजे तक करीब 58% रहा मतदान प्रतिशत। उन्नाव में करल के बहाने पीएम मोदी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा जिसे सबसे सुरक्षित सीट समझ रहे थे वो हाथ से निकल गई, पहले माफिया चलाते थे सरकार। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला, कहा बाबा ने नौजवानों के तोड़े सपने, साइकिल की रफ्तार है बहुत तेज। झांसी में वोट डालने को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, दो लोगों की हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी से करेंगे। यूपी में शाम 5 बजे तक करीब 58% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 60.82%, वहीं ललितपुर में भी करीब करीब 78% मतदान हो चुका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, आप बता दें कि 16 जिलों की जो 78 सीटें हैं उन पर आज मतदान संपन्न हुआ है। 627 प्रत्याशी थे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 5 बजे तक के अगर वोटिंग प्रतिशत की हम बात करें तो करीब करीब 58% मतदान अब तक हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तीसरा चरण भी खत्म हो चुका है, अब चौथे चरण की तैयारियां जो हैं वो लगातार दिखाई दे रही है। तो यूपी में शाम 5 बजे तक 58% मतदान हो चुका है। मैनपुरी में 60.82%, वहीं ललितपुर में 67.25% मतदान हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण के दौरान करहल सीट का भी जिक्र किया जिसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मानकर बैठे थे वो भी हाथ से निकल रही है। आपने देखा होगा जिस पिता को मन से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। पीएम मोदी ने कहा कि इन घोर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधियों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे, प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न बही, जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में आज हर तरफ एक ही गूंज है, 2017 में हराया था, 2022 में फिर से हराएंगे। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। ये परिवारवाद लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं, ये सोचते हैं कि जो ये कहेंगे जनता वही करेगी। लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है आएगी तो बीजेपी ही, आएंगे तो योगी ही। आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन घोर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे, प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न वही, जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। ऐसी स्थिति में गरीब की, दलित की, वंचित पिछड़े की सुनवाई कैसे होती? रास्ते में तो छोड़िए, घरों के भीतर भी ये मन चले बहन बेटियों को परेशान करते थे। दंगा,
कर्फ्यू फिरौती, इससे व्यापारियों कारोबारियों का जीवन 2400 घंटे संकट में रहता था। भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है। जिस यूपी की छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी थी कि हां कुछ बदल नहीं सकता, उस यूपी में योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। इसलिए यूपी पूरी ताकत से कह रहा है, जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो सम्मान लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाइयों और बहनों, योगी जी ने इन लोगों के डर और खौफ के जो अभेद्य किले थे उन किलों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में भी एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला और अहमदाबाद बम धमाके की घटना को याद किया। पीएम मोदी ने कहा, पहली होली 10 मार्च को बीजेपी के बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। अगर ऐसा करना है तो उसकी तैयारी मतदान केंद्रों पर करनी होगी। याद कीजिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने उत्तर प्रदेश का क्या हाल बना रखा था। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूपी के साथ साथ पंजाब में भी वोट पड़ रहे हैं, वहां के लोग भी पंजाब के विकास, पंजाब की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यूपी के अगले चरणों की जिम्मेदारी भी आप लोगों ने ले रखी है। जो तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। मिलेगा ना, 10 मार्च को जवाब मिलेगा ना। साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी छिनेती लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे, दिया बरे घर लौटाओ। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा, एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी।
हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन गौर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। कोई कह सकता है क्या कि यूपी में खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है दिल्ली में भारत की सरकार खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है क्या? ये गरीब किसान नौजवानों की सरकार है। हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया, और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि जो लोगों ने अयोध्या काशी मंदिरों पर हमला किया उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगा होते थे, बमबारी होती थी, कर्फ्यू लगते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। तो कोई ना नुकुर नहीं किया, हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम बिजली हिंदू के यहाँ देंगे मुसलमान के नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना, हमने तो कहा सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ जाति देख करके कोई सुविधा तो नहीं दी जाती है ना, हमारे लिए तो हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी सम्मान किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 5 तीर्थ बनाए हैं, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब ने शिक्षा दीक्षा ली, जहां बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया, जहां बाबा साहब ने अंतिम समय व्यतीत किया और जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ। ये पंच तीर्थ अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाया है। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा करने अमेठी पहुंचे। उन्होंने आज जगदीशपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश पासी के लिए वोट मांगा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में लक्ष्मी आए तो कमल के फूल वाले बटन को दबाएं, क्योंकि लक्ष्मी हाथी पर बैठकर नहीं आएंगी, साइकिल चलाकर भी नहीं आएंगी और ना ही हाथ हिलाते हुए आएंगी। अगर लक्ष्मी आएंगी तो कमल के फूल पर बैठकर आएंगी। राजीव गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए 100 पैसे भेजता हूं और आप लोगों को 15 पैसा मिलता है, जबकि 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन खाते खुलवाकर वो काम किया कि अगर आज दिल्ली से 6,000 रुपए भेजा जाता है तो वो 6,000 रुपए सीधे आपके खाते में आता है, बीच वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने अमेठी के पानी में दम है, इस जिले के पानी में, इस ईरानी आपकी सांसद आप जानते हैं, इतनी अच्छी वक्ता है, अच्छी मंत्री है, बड़ी प्रभावी भूमिका निभाती है, आप लोग भी चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाते हैं,
मैं सचमुच आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं, कैसे कैसे लाल को आप लोगों ने चुना। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को समझ लेना, भारत नहीं दुनिया की जो रेटिंग करती है, रेटिंग करती है मतलब ऐसी एजेंसी जो सभी देशों में यह पता लगाती है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या पार्टी सरकार में रहने के बाद कैसा काम करती है। यह सब एजेंसियां कैसा काम करती है। बहन भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कहा है कि भारत में सरकार चलाने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर वार किए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि आज मैंने भी अपना वोट साइकिल पर डाल दिया है, हवा आज बहुत तेज चल रही है, आज हवा के सामने हेलीकॉप्टर भी धीमे उड़ रहा था लेकिन साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सोकर जागते हैं, क्या दूरबीन से देखते हैं बाबा जी, हम भी देखते हैं कि उनके घर पर धुआं उड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र बीएडी बीपीएडी के हमारे साथियों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, 69,000 भर्ती वालों को आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, हमारे बाबा सीएम ने नौजवानों के सपने तोड़ दिए, बाबा सीएम 24 घंटे काम करते हैं इसलिए इतने लोग बेरोजगार हैं। ये जो हमारे किसान नौजवान माताएं बहनें आज महसूस कर रहे होंगे कि हवा बहुत तेज चल रही है, आज इतनी तेज कल हवा नहीं थी और आज इतनी हवा तेज थी कि आज हवा के सामने हेलीकॉप्टर भी धीमे चल रहा था। ये हवा इसलिए तेज चल रही है क्योंकि आज वोट पड़ रहा है, साइकिल की रफ्तार तेज है। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने क्या क्या कर दिया, ये देखिए, टेट वाले बीएड टेट वाले 2011 तख्ती लेकर के बैठे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री देखिए पीड़ित अनुदेशक खड़े हैं, शिक्षा मित्र खड़े हैं, बीपीएड वाले बताओ कहां तक लड़ाई लड़नी पड़ी आपको, सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाना पड़ा और इनके खिलाफ सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में कि नौकरी न मिल जाए इनको। ये 69,000 वाले जानते होंगे बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार को किस तरीके से सरकार ने छीना है। यहां हमारे बीटीसी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहते हैं, बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया 5 साल। हमारे नौजवानों के सपने तोड़ दिए, नौकरी नहीं मिली न रोजगार मिला। बताओ रोजगार और नौकरी किसी को मिली हो बता दो। हमारे बाबा मुख्यमंत्री दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, इसीलिए इतने नौजवान बेरोजगार हैं। वोट डालने पहुंचे बीजेपी सांसद ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोट करते हुए ईवीएम की फोटो खींचकर उल्लंघन कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जे उड़ा रहे हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि पोलिंग बूथ पर उम्रदराज लोगों को चारपाई और व्हीलचेयर आदि पर ले जाकर देखा गया है जो कि सराहनीय है, लेकिन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का घर में मतदान कराया है उसके लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोग मतदान करने से अब वंचित नहीं रहेंगे और आने वाले समय में लोग घर में बैठे बैठे मतदान करेंगे और बूथ तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये विशेष पर्व का अवसर है और लोकतंत्र के जनतंत्र के सभी नागरिक जो आज अपने अपने पक्ष की जो सरकार बनाना चाहते हैं आज वो सभी लोग प्रातः काल से पूरे देश में निकले हुए और अभी अपने महोबा में
अभी महोबा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 37% मतदान के आसपास हो चुका है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे उत्साह के साथ सभी क्षेत्र के सम्मानित मतदाता बंधु भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है अब की बार? अब की बार हम लोगों को तो हमेशा से अब की बार क्या हर बार और बार बार और आगे भी यही लगता रहेगा कि देश की जनता बहुत समझदार है और देश के सभी सम्मानित नागरिक देश का, प्रदेश का और पूरे प्रदेशवासियों का, विशेष रूप से गरीबों को, गरीबों समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में खड़े हुए हैं। वहीं हाथरस में घर की दूसरी मंजिल पर गोली लगने से बीजेपी नेता घायल हो गए, जिसे आनंद फानन में परिजन इलाज के लिए अलीगढ़ ले गए। पुलिस अभी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता कृष्णा यादव अपनी दूसरी मंजिल पर थे, जिसके बाद उनके सिर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। आनंद फानन में उन्हें खून से लथपथ हालत में उपचार के लिए लेकर पहुंचे। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, इस बारे में अभी और अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं कन्नौज में मतदान के दौरान बीजेपी और सपा समर्थकों में जमकर मारपिटाई हुई है। सपा नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस पर भी बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं बवाल की सूचना पर पहुंच रही एसडीएम देवेश कुमार ने मारपीट और बूथ कैप्चरिंग के मामले को नकारा। एसडीएम बोले, मुस्लिमों को वोट डालने से रोकने की उनको शिकायत मिली थी, जांच में शिकायत झूठी निकली। मामला छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर मतदान केंद्र का है। पर अभी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि भाजपा के कुछ गुंडों के द्वारा यहाँ पे पोलिंग डंप करने की तैयारी चल रही है और हमारे बस्ते पर पुलिस प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है और हमारे लोगों से कहा जा रहा है कि तुम लोग भाग जाओ नहीं तो लाठियां तोड़ देंगे। तो कोई मारपीट? हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है। वहीं झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र में खूनी संघर्ष का एक मामला सामने आया। मामला चिरगांव ब्लॉक के सिमरथी गांव का है, जहां पर वोट डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, पथराव भी हुआ, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फरुखाबाद में पूर्व सपा विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी ने जिला प्रशासन पर वोट ना डालने का गंभीर आरोप लगा दिया। भोजपुर विधानसभा से पूर्व विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अर्शद जमाल सिद्दीकी भोजपुर से विधानसभा प्रत्याशी हैं। उनका आरोप है कि वोटरों को बेवजह परेशान और वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मामला भोजपुर विधानसभा के जरारी प्राथमिक विद्यालय का है। तो अगर मतदान प्रशासन को नहीं करने देना है तो आप अनाउंस कर दीजिए कोई वोट ना डालने आए, कोई ज़रूरत नहीं। सरकार चाहती है कि ज़्यादा ज़्यादा मतदान हो, 100% की तरफ उनका रुझान है सरकार का, लेकिन स्थानीय प्रशासन चाहता है कि कोई भी वोट ना डालने आ पाए। यहाँ पे भिलाई जी ने आरोप लगाया है कि उनसे भी हर आदमी के पास आईडी है और अंदर जाके पीठासीन अधिकारी चेक करे, ये अधिकार है। अब आप गेट से ही पुलिस चेक करेगी या सीआरपीएफ चेक करेगी और गेट से ही कह देगी जाइए, आपका ये नाम नहीं है, ये फर्जी है, तो फिर आदमी डर की वजह से अंदर ही नहीं आएगा। यहाँ पे वोटर आरोप लगा रहे कि क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो सच है कि सीआरपीएफ ने शुरू से सुबह से वोट कहाँ डाल, वरना आज 4 बजने जा रहा है, 3 से ज्यादा चुका है और सिर्फ 25-28% मतदान हुआ है। सहारनपुर में 2 जनवरी से लापता युवा का आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। बता दें कि थाना देवबंद के कोरवा का रहने वाला दीपक बीते 2 जनवरी से लापता है। 3 जनवरी को दीपक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना देवबंद में दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक दीपक का कोई पता नहीं चल सका, जिसको लेकर दीपक के परिजनों ने समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ देवबंद थाना पहुंचकर प्रदर्शन कर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। दीपक के परिजनों का कहना है कि 2 फरवरी को दीपक किसी से पैसे लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा और तभी से उसका मोबाइल फोन बंद है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अब तक कोई जांच नहीं की। इस दौरान दीपक के परिजनों के साथ युवा बीजेपी नेता गौरव शर्मा सहित तमाम लोगों ने थाना देवबंद में पहुंचकर थाना प्रभारी से दीपक की तलाश करने की अपील की है।
तो सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन थाने का घेराव करते हुए नजर आए हैं और जमकर प्रदर्शन किया, पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। छत्रपति महाराज शिवाजी जयंती के मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल टिटवाला में 19 फरवरी को वार्षिक खेल दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मेधावी छात्रों को प्रचार्य द्वारा छाया झा द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। वहीं माता पिता भी काफी ज्यादा छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ पल इंडिया के साथ।